अचानक हुई एक घटना के बाद अब DFC कॉरिडोर पर पैसेंजर्स ट्रेनें दौड़ रही हैं। जी हाँ, ये वही कॉरिडोर है जहाँ पर फ्रेट ट्रेनों को हाई स्पीड में दौड़ाने के लिए इस कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन अचानक हुई एक घटना के चलते यहाँ पर पैसेंजर्स ट्रेनों को दौड़ाया जा रहा है। हुआ ये कि अचानक राजधानी एक्सप्रेस एक क्रेन से टकरा गई, जिसके बाद घंटों भर तक ट्रैक पर ट्रेनों का आना जाना पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। ये एक्सीडेंट मिर्जापुर के झिंगरा इलाके में हुआ था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जब वो रेलवे ट्रैक पर क्रेन के पोल को उठा रही थी, उस दौरान ओवरहेड वायर पर जाकर वो टकरा गए और ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। इस घटना में किसी भी तरह की कोई हताहत तो नहीं हुई है, लेकिन आम जनता पैसेंजर्स को इस दौरान जाम का सामना झेलना पड़ा। ओवरहेड इक्विपमेंट तार टूटने से ट्रेनें रेल पटरियों पर जगह जगह रुक गई। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऐसी सिचुएशन में ट्रेनें पूरी तरह से प्रभावित ना हो, कैंसल्ड ना हो, इसके चलते रेलवे ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक का इस्तेमाल किया और ट्रेनों को बाईपास कर दिया, क्योंकि इस एक्सीडेंट के चलते ओवरहेड इक्विपमेंट तार टूटने से यहां की जो लाइन थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर एक राजधानी, एक पटना जनता और एक सीमांचल एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों को दौड़ाया गया। DFC कॉरिडोर पर पैसेंजर्स ट्रेनें दौड़ाने के बाद ये एग्जाम्पल तो सेट हो गया कि इस कॉरिडोर पर माल की फास्टेस्ट मूवमेंट के लिए DFC कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में भी यहां पर पैसेंजर्स ट्रेनों को भी दौड़ाया जा सकता है। ऑफिशियल्स ने कहा कि इससे साबित होता है कि DFC संकट में विकल्प बन सकता है और पहियों को नहीं रुकना चाहिए, इस उद्देश्य को हासिल करने में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, DFC कॉरिडोर ने ये तो साबित कर दिया है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो, वो ट्रेनों के पहियों को कभी रुकने नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। टिल देन, गुड बाय।